नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में कई सारी अपडेट हैं, जान लेते हैं सारी अपडेट इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग पूरा देखा करिए वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की टीजीटी पीजीटी अपडेट से। दोस्तों ये आज नोटिस जारी हुई है, देख सकते हैं 20 जुलाई 2020 की नोटिस है और ये नोटिस संबंधित है कॉलेज आवंटन को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इन अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन यहाँ पर हुआ है। अब मामला क्या है पूरा ये समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है टीजीटी पीजीटी भर्ती 2010 की, 2010 की भर्ती है। उनमें से कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका कॉलेज आवंटन नहीं हो पाया था क्योंकि उस समय पद खाली नहीं थे। ये अभ्यर्थी गए थे कोर्ट और कोर्ट से आदेश होने के बाद इनका कॉलेज आवंटन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विज्ञापन संख्या 2010 है। ठीक है, तो इन अभ्यर्थियों का कॉलेज आवंटन हो गया है। तो आप लोग इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 साल बाद इनको अब नौकरी मिलने जा रही है। 2010 की भर्ती है, 2010 चल रहा है, आप चयन बोर्ड की कार्यप्रणाली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मामला कोर्ट में होने के कारण इतनी देरी हुई है। वैसे जो ये भर्ती थी उसकी ज्वाइनिंग 2011-12 में ही हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मामला क्या है वो समझ लीजिए। मामला ये है कि ये तीन अभ्यर्थी हैं जो उन्होंने अपना पुनर्मूल्यांकन करवाया था। ठीक है, कोर्ट के आदेश के बाद इनकी कॉपी का पुनर्मूल्यांकन हुआ। पुनर्मूल्यांकन में ये अभ्यर्थी सफल हो गए और जब सफल हो गए तो उस समय कोई भी सीट उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से उनका कॉलेज आवंटन नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये आदेश है, कोर्ट ने आदेश दिया था 23 फरवरी 2018 का, यानी 2 साल पहले चयन बोर्ड को आदेश ये आया कि इनकी ज्वाइनिंग करवाओ। ठीक है, तो जब चयन बोर्ड में अब वैकेंसी इनको मिली है, चयन बोर्ड को जब कॉलेज खाली मिले हैं तब चयन बोर्ड ने इनका कॉलेज आवंटन किया है। तो ये आप देख सकते हैं कोर्ट आर्डर आने के बाद 2 साल बाद भी इनका कॉलेज आवंटन हुआ है। तो जो अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में हैं उनको अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। बाकी अगर मामला कोर्ट जाता है 2 साल 4 साल कितना बीत जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। वहीं पर दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2016 के जिन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू रह गया, जैसे विज्ञान के इंटरव्यू बीच में ही रोक दिए गए थे, पीजीटी शायद इंग्लिश के भी इंटरव्यू बीच में रोक दिए गए, तो आज सूचना ये मिल रही है कि इसका जो साक्षात्कार कार्यक्रम है इसी हफ्ते जारी हो सकता है। ठीक है, ये कन्फर्म 100% तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन हाँ जो सूचना मिल रही वो मैंने आपको बता दी कि इसी हफ्ते इनका कार्यक्रम जारी हो सकता है और अन्य विषय का भी कार्यक्रम, साक्षात्कार कार्यक्रम जारी हो सकता है। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में हम जरूर बताएंगे। उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग ने भी आज एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया हुआ है। नोटिस ये है उन अभ्यर्थियों के लिए जो ACF और RFO भर्ती से संबंधित हैं। 2019 भर्ती यहाँ पर है अपडेट, तो लिखा है 16/10/2019 के द्वारा विज्ञापित ACF यानी सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO भर्ती 2016 में जो प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी सफल हो गए हैं, ठीक है, उनके लिए 11 जून 2020 को एक नोटिस जारी हुई थी। उस नोटिस के क्रम में यहाँ पर यह बताया गया कि जो अभ्यर्थी हैं लेकिन पास हो गए लेकिन उन्होंने अभी तक मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म नहीं भरा है और उसके आवेदन शुल्क नहीं किए जमा किया है पूर्ण किया है, तो वो लोग उनके लिए वेबसाइट ओपन कर दी गई है 21 जुलाई से लेकर के ये 31 जुलाई तक उपलब्ध रहेगा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जा कर के अपना आवेदन फॉर्म वगैरह भर दें। ठीक है, और आवेदन पत्र भरने के बाद जो हार्ड कॉपी है वो 14/8/2020 तक आयोग को उपलब्ध करा दें। बात कर लेते हैं UPSC साक्षात्कार की, यानी IAS साक्षात्कार की। दोस्तों आज से IAS 2019 भर्ती के जो छूटे हुए यानी बचे हुए साक्षात्कार थे वो फिर से शुरू कर दिए गए। आपको बता दें साक्षात्कार ऑलरेडी मार्च में चल रहे थे लेकिन कोरोना के कारण इन साक्षात्कारों को रोक दिया गया था, तो उनके साक्षात्कार आज से शुरू हो गए। 20 जुलाई से लेकर के 30 जुलाई तक ये साक्षात्कार चलेंगे। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो IBPS
आरआरबी यानी ग्रामीण बैंकों में इस समय भर्तियां आए हुए लगभग 10,000 के आसपास पदों पर भर्तियां हो रही हैं और इसकी लास्ट डेट कल है। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल फर्स्ट सेकेंड थर्ड कई तरह के यहाँ पर भर्तियाँ हैं और इसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करना मैं अभी आपको बता देता हूँ। दोस्तों आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है governmentjobcenter.com। इस वेबसाइट से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं मैं आपको इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए यहाँ पर तीन डॉट पर क्लिक करना है राइट साइड में। इसके बाद डेस्कटॉप मोड में इसको आप लोग ओपन कर लेना। इसके बाद वेबसाइट थोड़ा अच्छे तरीके से खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको आना है लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं ऑफिस IBPS, IBPS, IPS कई प्रकार के यहाँ पर चार प्रकार के कुल फॉर्म है तो यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ से आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हरियाणा बोर्ड रिजल्ट की। तो दोस्तों हरियाणा बोर्ड के कल 12वीं के रिजल्ट घोषित तो हो रहे हैं। इसको भी आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com से चेक कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट है कल 21 जुलाई को शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। तो 5 बजे से आप लोग इस रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए भी आपको इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लेटेस्ट रिजल्ट का। यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिंक मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो ये हो गई दोस्तों आज की पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो का लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।